अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अपने सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एक पोएम है और जिसका टाइटल है द स्टोरी टेलर। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग। इसमें राइटर हमें उन स्टोरीज़ के बारे में बता रहा है जो उसे बचपन में सुनाई जाती थी। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उन्हें स्टोरी सुनाते थे। आपको पता है कि जैसे हमारे घरों में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें स्टोरी सुनाते हैं। तो कुछ बच्चों की तो यूजली रूटीन होती है कि जब तक वो स्टोरी नहीं सुनते उन्हें रात को नींद नहीं आती। तो इसी तरह से राइटर जो जब छोटा था तो उस वक्त उसके ग्रैंडफादर उसे स्टोरी सुनाते थे, और वो ऐसी स्टोरीज होती थी जिनका एक मोरल लेसन होता था। राइटर का असल में मकसद भी यही है ये पोएम लिखने का, कि बच्चों को ऐसी स्टोरीज सुनाई जाएं जिनका एंड पे एक मोरल लेसन हो, जिससे वो कुछ सीख सकें, कुछ गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल की तरफ आते हैं। टाइटल है हमारा द स्टोरी टेलर। जैसे कि पहले भी आपको बताया है, स्टोरी टेलर का मीनिंग है कहानी सुनाने वाला। तो सबसे पहली जो हमारी इसमें एक्टिविटी है वो वर्ड्स टू नो है। वर्ड्स टू नो जो ऑक्सफोर्ड की बुक्स में दिए होते हैं ना, वो वर्ड्स होते हैं चैप्टर्स में जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स नहीं होते जिनको स्टूडेंट्स ईजिली समझ नहीं पाते। तो इसमें भी हमारे जो सबसे पहले एक्टिविटी है वो वर्ड्स टू नो है, तो उनको हम सबसे पहले करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ड दिया हुआ है वो है ओ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है AWE जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करना है ओ। ओ का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फियर ब्रॉट अबाउट बाय अथॉरिटी जीनियस और ग्रेट ब्यूटी। लेकिन इसका अगर हम उर्दू में मीनिंग करें तो इसका उर्दू में मीनिंग होता है वैसे तो रोब, दबदबा होता है, लेकिन जहाँ पे हम इसको हैरान कुन के मीनिंग्स मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कडल्ड। कडल्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग लिखा हुआ हग्ड इन द आर्म्स। इट सीम लाइक दे आर कम्फर्टेबल इन द बेड, वॉर्म एंड कोजी। और इसका इसके अलावा उर्दू में इसका मतलब जो होता है बगल गिरी होता है, या फिर टू स्टिक समवन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फैबल्स जो होती हैं हिकायात उर्दू में इसका मीनिंग होता है, और फैबल्स वो स्टोरीज होती हैं जिनके एंड में एक मोरल लेसन हमें मिलता है, और हिकायात जो कि थोड़ी मोरल किस्म की स्टोरीज होती हैं उनको फैबल्स हम कहते हैं। फैंटम्स का मतलब होता है घोस्ट, जहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है घोस्ट मतलब भूत। इसके अलावा जो हमारे कुछ ख्याली जो इमेजेस बनते हैं उनको हम फैंटम्स कहते हैं। इसके अलावा योर जो वर्ड है इट्स बेसिकली अ क्लासिकल वर्ड, और क्लासिकल वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग ये है कि टाइम लॉन्ग पास्ट, पुराने वक्तों की बात जब हम करते हैं तो हम योर का वर्ड यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ डे व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, ऑल बाथ्ड एंड वेल फेड दे कडल्ड इन बेड, वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड देम। अब ये जो हीज यहाँ पे आ रहा है ये किसका जिक्र हो रहा है, राइटर किसका जिक्र कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा है, तो ही जो है हम इसको लेंगे उसके ग्रैंडफादर के तौर पे। तो वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्या स्टोरीज सुनाता था एट द एंड ऑफ डे दिन के आखिर में, व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले जब वो खेल से थक जाते थे, ऑल बाथ एंड वेल फेड सब नहाते थे और पेट भरकर खाना खाते थे, दे कडल्ड इन बेड और फिर वो अपने बिस्तर में घुस जाते थे, वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड देम, तब वो उन्हें कौन सी कहानियाँ सुनाता था। वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाता था। देयर आइज ओपन वाइड, कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी, विद हिम बाय देयर साइड और जो उसके पहलू में बैठे होते थे, दे लिसेंड इन ओ वो बड़े हैरान कुन अंदाज में सुनते थे, टू फेबल्स ऑफ योर वो ऐसी स्टोरीज होती थी जो पुराने वक्तों की होती थी। फेबल्स जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो स्टोरीज जिनका मोरल लेसन होता है, हिकायात जो होती हैं, और योर पुराने वक्तों की बात जो होती है, तो पुराने वक्तों की जो कहानी होती थी
वो सुनाते थे, उसके ग्रैंडफादर जो थे, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तब वो कौन सी कहानियाँ सुनाता था। सो इट्स आर नेक्स्ट पेज, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाता था। ऑफ शेडोज दैट क्रैप्ट, ऐसे साए जो रेंगते थे, वाइल द साउंड इज स्लेप्ट, जब वो गहरी नींद सो रहे होते थे, एंड फैंटम्स दैट प्लेड, और ऐसे भूत जो वहाँ पे खेलते थे, इफ फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेड, जब वो दुआ पढ़ के नहीं सोते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, तो तब उन्हें कौन सी कहानियाँ सुनाता था। अच्छा यहाँ पे देखें, इफ़ फर्स्ट दे हैड नॉट प्रेड, तो इसमें हमें जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमें यही बताते हैं कि अगर हम दुआ पढ़ के सोएंगे तो हमें बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और बुरे ख्यालात नहीं आएंगे और हम किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि उसके ग्रैंडफादर उन्हें बताते थे कि अगर वो दुआ पढ़ के नहीं सोएंगे तो उन्हें बुरे ख्यालात आएंगे और उन्हें बुरे ख्वाब आएंगे जिनसे उनको डर लगेगा। वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को कौन सी कहानियाँ सुनाता था। एंड नाउ दे फील अ चिल, अब भी वो सोचें तो उन पे लर्जा तारी होता है, येट रिपीट देम स्टिल, लेकिन अभी भी वो उनको दोहराते ज़रूर हैं, टू देयर यंग एंड ओल्ड, अपने छोटे और बड़ों के सामने, दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो जो सोने की कहानियाँ थी। वर्ड स्टोरीज ही टोल्ड देम, तब वो कौन सी कहानियाँ सुनाता था। सो आई एम समिंग अप हेयर, लेट्स मीट विद अनदर लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।